नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि बताया जा रहा है कि रविवार को सूर्य ग्रहण होगा और साथ में एक बात और की जा रही है, एक तो भूकंप आ सकता है या नहीं इस पर बात करेंगे, दूसरा दिल्ली को देखते हुए भूकंप के कारण किस तरीके के खतरे हैं इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जियोलॉजी के प्रोफेसर देवेश कुमार सिन्हा जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बताइए जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भूकंप तो ऐसी चीज है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कभी भूकंप कभी भी आ सकता है, लेकिन वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है कि सूर्य ग्रहण से भूकंप आता है। तो कल सूर्य ग्रहण लगेगा, इसके पहले भी कई बार सूर्य ग्रहण लगे हैं, और ऐसा हमारे पास कोई तथ्य नहीं है कि सूर्य ग्रहण से भूकंप आता है, तो यही मैं कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, जैसा कि दिल्ली की स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और पिछले कई दिनों में 2-4-5 छोटे छोटे भूकंप आए हैं, भूकंप को देखते हुए दिल्ली की स्थिति क्या है और खतरा किस तरीके का है? देखिए, भूकंप की दृष्टि से ना भारत को कई जोन्स में बांटा गया है, जिसमें दिल्ली काफी खतरनाक जोन नंबर 4 में आता है, और दिल्ली हिमालय के काफी नजदीक भी है। दिल्ली से जैसे ही आप उत्तर दिशा में बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद, 200-300 किलोमीटर जाने के बाद हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शुरू हो जाता है, जहाँ से हिमालय पहाड़ सीधे उठते हैं। जैसे आप जब देहरादून की तरफ जाएंगे तो मोहांड एक जगह है, आप नैनीताल की तरफ जाएंगे तो काठगोदाम से है, तो वो दिल्ली से काफी नजदीक है। और ये जो भारत का जो ये प्लेट है जो हमेशा उत्तर की तरफ खिसकता रहता है, इसके चलते काफी तनाव उत्पन्न होता है धरती के नीचे, और दिल्ली खास करके दिल्ली के नीचे जो रॉक्स हैं उनमें कई तरह के अपभ्रंश हैं, फॉल्ट्स हैं, जैसे दिल्ली मथुरा फॉल्ट है, दिल्ली सोना फॉल्ट है, दिल्ली फैजाबाद रिज है, दिल्ली मुरादाबाद रिज है। तो ये सब जो फॉल्ट दिल्ली के नीचे हैं, इनके फॉल्ट के अलोंग कई बार बड़े बड़े जो चट्टानों का खिसकना होता है, और उससे काफी ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा हमें भूकंप के रूप में देखने को मिलती है। तो जब भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं, लार्ज स्केल मूवमेंट, तो वो जो स्ट्रेस है और तनाव है वो रॉक्स काफी दिनों तक तो झेलते हैं, लेकिन जब झेल नहीं पाते हैं तो खिसक जाते हैं, और खिसकने को ही हम फॉल्ट के लॉन्ग मूवमेंट बोलते हैं, और वो उस चलते जो चीज होती है वो भूकंप के रूप में आती है। तो दिल्ली है तो खतरनाक जोन में, जोन नंबर 4 में, और इसीलिए दिल्ली में कई बार छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं ये किस तरीके की चीज को बताते हैं, और यहाँ पर किसी बड़े भूकंप की आशंका है क्या? देखिए, इसमें दो मत हैं। ये जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं ये इसीलिए आते हैं क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो रिलीज होना है। तो यदि तनाव बार बार रिलीज होता रहे, छोटे छोटे भूकंप आते रहे, तो शायद ये हमें बहुत बड़े खतरे से बचाता है। लेकिन यदि यही तनाव इकट्ठा होता जाए और एक साथ रिलीज हो तो हो सकता है बड़ा भूकंप आ जाए। एक तो ये मत है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप हैं ये किसी बड़े भूकंप के आगमन को नकारते हैं, लेकिन दूसरा ये भी मत है कि ये छोटे छोटे भूकंप जो आते हैं इससे नीचे की चट्टाने कमजोर हो जाती हैं, और आगे किसी बड़े भूकंप से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये दो तरह के वैज्ञानिकों के मध्य है। जी, अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से पूरा दिल्ली एनसीआर है और अब दिल्ली एनसीआर में डिफरेंट इलाके हैं, नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, बहुमंजिल इमारतें यहाँ बन रही हैं, इन बहुमंजिल इमारतों को कितना खतरा है? देखिए, बहुमंजिली इमारतों के बनने में जो बिल्डर जिसने बनाया है, यदि उसने भूकंप विरोधी इमारतें बनाई हैं तो खतरा बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल, आप जापान में जानते हैं, जापान एक ऐसा देश है
जहाँ पे हर रोज भूकंप आते हैं, लेकिन शायद ही आप सुनते होंगे कि कभी किसी जान माल का नुकसान हुआ हो, क्योंकि वहाँ तो हमसे भी ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और मेट्रो रेलवेज हैं, कई तल्लों में बसा हुआ है टोक्यो शहर, लेकिन वहाँ कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो भूकंप आता है वो उसका पूर्वानुमान तो हम लगा नहीं सकते कि कब आएगा, लेकिन भूकंप आने पे बिल्डिंग को हम कैसे बनाएं ये हम कर सकते हैं, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने तरह तरह के उपाय किए हैं कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है, भूकंप विरोधी इमारतें हैं। तो मुझे तो ये नहीं मालूम, मैं तो ये देखता हूँ कि दिल्ली में कई बार बिना भूकंप आए भी बिल्डिंग्स गिर जाती है, कई बार बहुत बरसात होती है तो भी बिल्डिंग्स गिर जाती है, क्योंकि वो बिल्डिंग उस तरह की बनी नहीं रहती है और उसमें जो सामान लगाया रहता है वो घटिया क्वालिटी का लगाया रहता है, लेकिन खास करके जो बहुत बहुमंजिली इमारतें हैं उनमें भूकंप विरोधी जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम हैं, वो फॉलो करने बहुत जरूरी है। मेरा कोई ज्ञान नहीं है कि जितने भी इमारतें बनी हैं उसमें ये फॉलो हुआ है कि नहीं, यदि फॉलो हुआ है तो खतरा कम है, अगर नहीं है तो काफी है। अच्छा, दिल्ली में जैसा कि बताया जाता है कि दिल्ली में 95% से ज्यादा इलाका और यहाँ की कॉलोनियां अनऑथराइज्ड हैं, जो बिना नक्शा पास किए बनाई गई हैं। इन इलाकों में निश्चित रूप से मानकों का उतना पालन नहीं किया गया है। क्या कभी इस संदर्भ में आपने सोचा है कि ये भूकंप के दृष्टिकोण से ठीक है या इनको खतरा ज्यादा है? देखिए, मैं तो बिल्डिंग्स के बारे में कह सकता हूँ, अब नक्शा पास हुआ है या नहीं है, अधिकृत है, कई बार अनधिकृत कॉलोनी बाद में अधिकृत हो जाती है, लेकिन बेसिक चीज यही है कि कोई भी जब बिल्डिंग बने तो चूंकि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है तो उसमें जो भूकंप विरोधी मानक है उनका पालन होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है और बिल्डिंग शायद अधिकृत कॉलोनी में भी है तब भी खतरा है। सो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मानकों का पालन हुआ है या नहीं। अच्छा प्रोफेसर साहब, अंतिम सवाल है आपसे कि जो पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है कि छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं और ये बड़े भूकंप का कहीं ना कहीं इशारा है, जबकि आपने बताया है कि ये छोटे छोटे टेंशन रिलीज होने से बड़े भूकंप से बचाव भी हो सकता है, क्या कोई स्टडी ऐसी आई है कि निकट भविष्य में या फिर दिल्ली के नीचे की प्लेट्स को लेकर कभी कोई स्टडी है जिससे कि हम समझ पाए कि हम किस खतरे में हैं, या किसी तरीके का कोई अंदाजा लगा पाते हैं कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, वही जैसे मैंने कहा ना कि इसमें दो मत हैं, लेकिन जैसे हिमालय में आप देखेंगे तो एक सेंट्रल जोन है जहां साइज़मिक गैप है, गैप का मतलब बहुत दिनों से कुछ भी वहां नहीं हुआ है, तो ऐसा जब होता है कि काफी दिन तक कुछ भी ना हो तो वहां पे खतरा ज्यादा होता है यदि वो भूकंप के जोन में आता हो। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले लातूर में भूकंप आया था, जहां भूकंप आने की कोई संभावना कभी नहीं थी, लेकिन आया भूकंप तो बहुत बड़ा भूकंप आया, भुज में भी बहुत बड़ा भूकंप आया कच्छ में। तो उसी तरह से दिल्ली में बार बार भूकंप का आना डर तो पैदा करता है, क्योंकि बार बार भूकंप आने से कुछ कमजोर तो हो जाती है चट्टान, लेकिन इसके साथ ये भी एक चीज है, जैसे बार बार स्ट्रेस रिलीज हो जाने से और कोई खास नुकसान नहीं होने से कहीं ना कहीं से ये हम मान सकते हैं कि जो बहुत तनाव है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है दिल्ली में, लेकिन खतरा तो बना ही हुआ है। डॉक्टर प्रोफेसर साहब, आपने पंजाब केसरी समूह को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।